इसमें मिट्टी इसमें बिल्कुल हमने नहीं डाल रखा है, आप देख सकते हैं। तो अब इसको हम पानी में मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों आप ये देख रहे हैं पिटूनिया का पौधा है, और पिटूनिया पे इस साल का ये तीसरा मेरा वीडियो है। आप इसका प्ले लिस्ट मैंने दे दिया, आप जाकर देख सकते हैं कि ये छोटे लेवल से कैसे पिटूनिया के पौधे को ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद इसको जो इसका पोटिंग मिक्स कैसे बनाते हैं ताकि अच्छे तरीके से पिटूनिया के पौधे पर जितना मन चाहे उतना आप इस पे फूल ले सकते हैं। दोस्तों एक ट्रिक आपको और एक काम करना है, जैसे आप ये देख रहे हैं इस तरीके से, देखिए कुछ पौधे जो है मैच्योर होने के कंडीशन पे आ चुके हैं, इसमें फ्लावर भी आ रहे हैं। लेकिन अगर कुछ काम इसमें अगर और आप एक काम करेंगे तो इसमें आप ये देख रहे हैं 4-5 ये कम से कम ये 10-15 फ्लावर इसमें दिख रहे हैं, लेकिन आप चाहेंगे तो एक भी पौधे पर कम से कम 100 से 150 फ्लावर आप ले सकते हैं। उसके लिए करना क्या है कि थोड़ी सी आप देखिए, जैसे आप देख सकते हैं जितने भी फ्लावर हैं, देखिए ये जितने फ्लावर हैं यहाँ से आपको इस तरीके से कट करके इसको निकाल लेना है। आप इसको ये नहीं सोचना है कि फ्लावर को हम क्यों कट कर, जितना फ्लावर है सब फ्लावर को कट कर लीजिए, और फ्लावर के बाद जो ये कली है इस कली को इस तरीके से आप कट कर लीजिए। इसे देख रहे हैं इसको यहाँ से कट कर लीजिए इस तरीके से। दोस्तों कट कर लें तो आपके लिए बेनिफिट ये रहेगा कि इसमें थोड़ा सा कट करने के बाद आप दे देंगे फर्टिलाइजर, तो मैं बताऊँ आपको कि ये पूरा पौधा एकदम से फैल जाएगा। जब ये फैल जाएगा तो इसमें मन चाहे इसमें से फ्लावर निकलना ये शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप सभी पौधे में कट कर देंगे तो इसमें इतने इसमें से ब्रांचेज आएंगे कि ब्रांचेज निकलने के बाद जितने ब्रांचेज आएंगे उसमें इसमें फ्लावर आएंगे। तो पिटूनिया के पौधे में दोस्तों ये काम करना आपको बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के पौधे में यही होता है कि केवल 10-12-15 किलो फ्लावर आते हैं, 10-12-15 फ्लावर पे ही बस केवल वो रह जाते हैं। और इस तरीके से अब एक काम करेंगे तो हम आपको बताएं कम से कम एक एक गमले में 100, 150, 200 से ऊपर आपको फ्लावर देखने को ये मिलेंगे। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा इसमें आपको एक काम करना ज़रूरी है, जब सबको कट कर दिए तो देखिए कट करने के बाद इसमें काम आपको यही करना है कि इसमें आपको हैवी फर्टिलाइजर देना ज़रूरी है। जितना हो सके उतना आप इसे आप पूरा इस तरीके से एकदम कट कर दीजिए। देखिए हमने कट कर दिया, और कट करने के बाद दोस्तों होता है क्या कि इसको आप कटिंग से लगा भी सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये कटिंग से लगाने का समय बहुत डिले हो चुका है क्योंकि जनवरी का इंशाल्लाह महीना और इस समय फ्लावर दे रहे हैं पिटूनिया का पौधा, तो कटिंग से आप ग्रो नहीं हो सकता है। हम आपको बताते हैं कि इसमें आपको क्या करना है। अच्छे तरीके से आप पूरा कट कर लीजिए। देखिए हमने कट कर लिया, जो बच जा रहा है उसको भी हम कट कर रहे हैं, और कट करने के बाद इसमें आपको फर्टिलाइजर क्या देना है। फर्टिलाइजर के तौर पे इसमें दोस्तों आप दे सकते हैं, अगर आपके पास ड्राई फर्टिलाइजर होगा तो ड्राई फर्टिलाइजर दे सकते हैं, जैसे हो गया बर्मी कंपोस्ट हो गया, एनपीके हो गया, एनपीके 1919 उसको भी दे सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि हम इसमें देखिए दे रहे हैं, आप देख सकते हैं ये मैंने बना रखा है ये फर्टिलाइजर, ये सरसों की खली है, और सरसों की खली दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें सरसों खली के साथ साथ इसमें नीम की खली है, और नीम खली बाद इसमें चूना भी है, और इसका आई बटन पे लिंक है कैसे इस फर्टिलाइजर को बनाते हैं आप जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरा फर्टिलाइजर बन के ये रेडी है, और इस फर्टिलाइजर को हम इस पिटूनिया के पौधे में यूज हम करेंगे। तो चलिए हम इसमें यूज कर लेते हैं। तो इसमें हम 25 से 30 लीटर पानी इसमें हमको मिक्स करना है, क्योंकि हम उसी हिसाब से इसमें सरसों की खली और नीम की खली और चूना को इसमें मिक्स कर रखा था। दोस्तों चूना ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए कि कैल्शियम भी बहुत प्रचुर मात्रा में हमारे पौधे को आवश्यकता इस समय है, और इस चूना का दोस्तों यूज करेंगे बुझा हुआ चूना यूज करेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिस्पांस ये मिलेगा। तो अब इसको हम पानी में मिक्स कर लेते हैं, और देखिए ये कम से 10 लीटर पानी है, और 10 लीटर पानी में हम इसको आधा थोड़ा सा कम इसको हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये मिक्स हो गया, और इसको हम इसमें यूज कर देते हैं। दोस्तों इसमें यूज करना आपको बहुत ज़रूरी है इसका, अगर इसका यूज आप नहीं करेंगे तो ड्राई फर्टिलाइजर यूज करें, लेकिन जो भी यूज करिए हैवी फर्टिलाइजर यूज करिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि इसमें खूब ढेर सारा इसमें से फ्लावर आए, तो आपको फर्टिलाइजर का ध्यान देना ज़रूरी है। हर 15 दिन पे 20 दिन पे आप इसमें फर्टिलाइजर का यूज इसमें आप करते रहिए। उसके बाद हम आपको बता दें कि इस समय जो लोग नर्सरी से पिटूनिया का पौधा ला दिए हैं उसको भी आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं। जैसे हो सकता है आप इसको पोटिंग मिक्स आप तैयार कर लीजिए, पोटिंग मिक्स तैयार करने के बाद चाहे तो आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, या हैंगिंग बास्केट के साथ साथ आप चाहेंगे तो आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं, या गमले में लगा सकते हैं, ग्रो बैग में लगा सकते हैं। दोस्तों ये
ग्रो बैग इसके लिए बहुत गहरे की आवश्यकता नहीं होती, मात्र केवल 8 से 10 इंच का गमला है। तो आप बहुत अच्छे तरीके, देखिए जितने मैंने लगा रखा है सब ये 10 इंच के गमले हैं, 10 इंच के गमले में बहुत अच्छे तरीके से ये पिटूनिया का पौधा ग्रो हो रहा है। और हैंगिंग बास्केट में आप चाहें तो हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। जैसे हम बता दें आपको कि अगर हैंगिंग बास्केट में अगर आपको बनाना है पोटिंग मिक्स, तो अब ये देख रहे हैं कुछ इस तरीके का आपको पोटिंग मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। ये दोस्तों ये सॉलिड भी है और सॉलिड के साथ बिल्कुल ये हल्के भी है, एकदम बिल्कुल हल्के। देखिए इसमें, और इसमें सॉयल नहीं है, इसमें मिट्टी इसमें बिल्कुल हमने नहीं डाल रखा है। आप देख सकते हैं कैसे मैंने इसको बनाया था, मैं इसको नोट कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। जैसे मैं बता दूँ आपको कि इसमें मैंने मिट्टी नहीं ले रखा, इसमें लिया है कोकोपीट 30%। उसके बाद जो इसमें कंपोस्ट आता है, कंपोस्ट में दोस्तों कुछ भी आप ले सकते हैं, सड़ी हुई गोबर की खाद मिल जाए, या आप देख सकते हैं सड़ी हुई गोबर की खाद मिल जाए, या हो सके तो बर्मी कंपोस्ट मिल जाए, या लीव कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, कुछ भी आपको मिले कंपोस्ट पे। तो कंपोस्ट लेना है आपको 40%, ये आपको ध्यान दें। उसके बाद जो सैंड है दोस्तों, सैंड में बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं, हम आपको दिखा दें, मेरे पास सैंड इसमें नहीं उपलब्ध, ये दिखा सकते हैं। देखिए जो सैंड होता है इसी को कहते हैं, जो आप ये देख रहे हैं, ये देखिए इस तरीके का सैंड जो कंस्ट्रक्शन में काम आता है। और ये उसमें दो तरीके का आता है, एक मोटा आता है एक पतला आता है। तो आप इसमें अगर ये मोटा वाला लेते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहता है, मोटा वाला लीजिए सैंड, बहुत अच्छे तरीके से पौधा उसमें ड्रेन वाश अच्छे तरीके से पौधे का होता है उसमें। अब मैं बताऊं आपको कि आप सैंड ले लिए 20%, उसके बाद जो बचता है 10%, उस 10% में आप नीम खली, बोन मील, अंडे का छिलका, बुझा हुआ चूना, लकड़ी का राख, रॉक फॉस्फेट, स्टोन डस्ट, ये सब चीज़ें आप आपस में कम्बिनेशन बना के मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं गमले में लगाने के लिए, तो गमले में लगाने के लिए उसमें आपको करना ये है कि मिट्टी ले लीजिए 40%। गमले के लिए देखिए हम आपको बता दें इस तरीके से, अगर ऐसी मिट्टी में आप चाहते हैं बनाने के लिए, तो गमले में बढ़ाने के लिए आप ले लीजिए मिट्टी 40%, उसके बाद जो कंपोस्ट आप ले लीजिए 40%, ये आपको ध्यान रहे। और उसके बाद इसमें जो सैंड है, सैंड मात्र इसमें केवल ले लीजिए 10%। और उसके बाद इसमें जो बचता है 10%, उसमें आप नीम खली, जाइम हो गया है, उसके बाद सरसों की खली भी है उसका पाउडर हम ले सकते हैं, स्टोन डस्ट, राख फास्फेट, लकड़ी का राख, ये सब चीज़ें आप इसमें भी मिक्स कर सकते हैं। और इसमें मिक्स करने के बाद दोस्तों आप लगा दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से पौधा आपका ग्रो कर जाएगा। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो, अगर ये पिटूनिया के पौधे पर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों फेसबुक देख रहे हैं पेज पर, तो फेसबुक पेज को भी फॉलोअप कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ, धन्यवाद।